राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को सदन में भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विगत 3 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि उन्होंने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ऐसी रिपोर्टों के आने की बात कही जो चर्चा का विषय बनी है। फ्रांस के एक प्रकाशन ने हाल ही में प्रकाशित OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को लेकर एक खबर बनाई जिसमें दावा किया गया कि OCCRP की रिपोर्ट तथस्थ नहीं है और इससे अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग मिलती है। फ्रांस के अखबार की इस रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने विपक्ष को घेर लिया और विपक्ष पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठाया और इसे लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब भी भारत की संसद का सत्र चल रहा होता है तभी विदेशों में कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिससे देश की छवि खराब होती है। भाजपा सांसद ने भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ए फ्रेंच पब्लिकेशन हैज रिसेंटली पब्लिश्ड इट्स ओन रिपोर्ट बेस्ड ऑन इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन द सराजेवो बेस्ड OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। दिस न्यू रिपोर्ट ऑफ द मीडिया रिपोर्ट हैज क्लेम्ड यू विल लेट द रिपोर्ट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस जी। एंड इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021, पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021, उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को BBC की डॉक्यूमेंट्री आती है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम ये देखना चाह हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में कहा कि जब भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है तब से विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक, नैतिक, सामाजिक पक्ष पर हमला कर रही हैं। फ्रांस के प्रकाशन ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट को विदेशी सरकारों की फंडिंग है, इसमें जॉर्ज सोरोस का भी कनेक्शन है। इस रिपोर्ट का फोकस भारत पर भी है। भाजपा सांसद ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से ये क्या संयोग है, जब भारत की संसद का सत्र चलता है तब ये रिपोर्ट आती है। पूर्व में भारत के किसानों को लेकर रिपोर्ट सामने आई तब भी संसद सत्र चल रहा था और इसी तरह पेगासस और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आई थी जब भारत की संसद का सत्र या तो चल रहा था या शुरू होने वाला था। अब बजट सत्र शुरू होने से पहले भारत के उद्योगों के बारे में अमेरिकी अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है, क्या ये महज संयोग है या फिर किसी साजिश का हिस्सा है? विगत लोकसभा चुनाव में रूप की सरकार ने भी साफ किया था कि भारत के चुनाव में हस्तक्षेप की कोशिश हो रही है। यह पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने देश के चुनाव में हस्तक्षेप की बात कही है।
अब सुधांशु त्रिवेदी ने चेतावनी देते हुए कहा है, जिन लोगों के दिल में ये ख्वाब है कि वो भारत को झुका लेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये मत सोचें कि विदेश की किसी चीज का प्रभाव पड़ने वाला है। भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।